दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए। यहाँ पर दुर्बल रवीश कुमार हैं और जो सता रहा है वो गौतम अडानी है। कबीर दास जी ने ये पंक्तियाँ तो सैकड़ों साल पहले लिखी थी, लेकिन आज भी उतनी ही मौजू हैं, क्योंकि गौतम अडानी ने NDTV का टेक ओवर किया, उसके बाद रवीश कुमार को नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा और वो घूम घूम के तमाम इंटरव्यू में अपनी लाचारगी, अपनी बेचारगी जाहिर कर रहे हैं कि गौतम अडानी ने जब से NDTV का टेक ओवर किया है, जाहिर बात है कि उन्हें भी उन तमाम लोगों की तरह मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जिनकी जॉब नहीं रहती है, तो वो भी अब स्ट्रगल कर रहे हैं। यूट्यूब पे उन्होंने अपना एक नया वेंचर शुरू किया है, उसके लिए संसाधन जुटा रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि गौतम अडानी को NDTV का टेक ओवर और रवीश कुमार की हाय बहुत भारी पड़ी है, क्योंकि हिंडनबर्ग रिसर्च की जब से रिपोर्ट छपी है और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गौतम अडानी ने तमाम फर्जी कंपनियां बनाई हैं टैक्स हेवन कंट्रीज़ में और उनके माध्यम से अपनी जो तमाम कंपनियां हैं उनका शेयर मार्केट की वैल्यू जो है वो असली कीमत से बहुत ज़्यादा ऊपर दिखाई गई है, और जिसके बाद उन फर्जी कीमतों के आधार पर बैंकों से लोन लिया गया है, ऊँची कीमतों पर उनके शेयर बेचे गए हैं। तो ये तमाम बातें हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में जाहिर की हैं, जिसके बाद लगातार जो अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं वो लगातार गिर रहे हैं और पिछले दो दिन में लगभग 20% गिरावट आ चुकी है अडानी ग्रुप की कंपनियों में, उनके शेयर मार्केट में उनकी जो वैल्यू है उसमें गिरावट आई है और माना जा रहा है कि लगभग $3 अरब का नुकसान हो चुका है गौतम अडानी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद। 7 से ज़्यादा कंपनियां हैं जिनके शेयर लगातार धड़ाम हुए हैं, खुद NDTV के भी शेयर लगभग 5% तक गिर गए हैं, और रुपए में बात करें तो NDTV के शेयर 13.5 रुपये के आसपास प्रति शेयर गिरे हैं। तो यही तमाम लोग कह रहे हैं कि NDTV को खरीदना सूट नहीं किया है अडानी साहब को, और उनको ये एक तरह से पनौती साबित हो गया है NDTV का टेक ओवर, और यह कहें कि अब तक वो जितनी कंपनियां खरीद रहे थे, सरकारी कंपनियां खरीद रहे थे तो बहुत सूट कर रही थी, सरकार के माध्यम से वो तमाम पोर्ट ले रहे थे, एयरपोर्ट ले रहे थे और तमाम सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीद रहे थे और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े सरकारी ठेके हासिल हो रहे थे, तो जब तक सरकारी माल में वो हाथ डाल रहे थे तो उन्हें बहुत फ़ायदा हो रहा था, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी का टेक ओवर करने चले गए NDTV का। और अब देखिए, कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपके जीवन में पनौती साबित होती, मनहूस साबित होती हैं, तो NDTV तो वैसे ही फ्लॉप कंपनी थी, TRP में बहुत ज़्यादा नीचे थी, उसकी TRP वैल्यू बहुत कम थी, कई 5-7 साल से उनके वर्कर्स की, उनके रिपोर्टर्स की, डेस्क के लोगों की सैलरी नहीं बढ़ी थी, और उसके बाद आप रवीश कुमार के तमाम इंटरव्यू देखिए, जब से लगभग छः महीने हो गए NDTV का टेक ओवर किए हुए अडानी ग्रुप को, और जब से रवीश कुमार की जॉब गई है वो घूम घूम के बड़ा एक मायूस सा चेहरा लिए इधर उधर घूम रहे हैं और दिन रात कोस रहे हैं, गोदी सेठ कह रहे हैं, गोदी सेठ नाम रखा उन्होंने, और लग रहा है कि हाय जो रवीश कुमार की लग गई है उनको, और ये टेक ओवर जो एक फ्लॉप कंपनी थी उसका टेक ओवर जो है अडानी साहब को सूट नहीं किया। अब तक वो फर्राटे भर रहे थे, लगातार उनकी नेटवर्थ जो है लगातार बढ़ती जा रही थी, पिछले 8-9 सालों में उन्होंने लगभग 9 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम कमाई थी, वो दुनिया के top 3 richest मैन में शामिल हो गए थे, लेकिन अब जिस तरह से हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई है, उसने तमाम फर्जीवाड़ों का आरोप लगाया है, खुलासे किए हैं, उसके बाद अडानी सेठ की वैल्यू जो है, उनकी कंपनियों की वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू है, बहुत तेज़ी से गिर रही है, और सबसे बड़ी बात है कि करोड़ों इंडियंस ने इसमें जो पैसा लगा रखा उनके पैसे डूब रहे हैं, और जिन सरकारी बैंकों से गौतम अडानी ने उनकी अपनी कंपनियों के लिए उन्होंने लोन लिया है उन बैंकों के पैसे डूब रहे हैं, तो अब देखते हैं कैसे उभरते हैं गौतम अडानी इस मुश्किल समय से। हालांकि रवीश कुमार जरूर खुश हो रहे होंगे मन ही मन, और उनको लग रहा होगा कि जिसने उनकी जॉब ली है, तमाम लोगों की जॉब गई है इस टेक ओवर की वजह से, NDTV का जो टेक ओवर अडानी ग्रुप ने किया है, तो उस कंपनी को भी अब भुगतना पड़ रहा है, तो NDTV की जो पनौती थी वो इस टेक ओवर के बाद गौतम अडानी जो सफलता के घोड़े पर बैठे भागे जा रहे थे उन्हें अब भारी पड़ रही है। तो फिर वही लाइन कह रहा हूँ कि जो कबीर दास जी लिख गए हैं कि
दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, बिना जीव की हाय से लोहा भस्म हो जाए। तो रवीश कुमार के हाय से अभी तो फिलहाल अडानी सेठ भस्म होते दिख रहे हैं। अगर ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी भी भेजिए। धन्यवाद।